हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। अब हमने कल किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट लॉस में आप लोगों ने सीखा कि अगर हम एक प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर एसपी पे सेल करते हैं और एक पर्टिकुलर सीपी पे खरीदते हैं, तो उसके पास में आपके पास में क्या प्रॉफिट निकल के आता है या फिर लॉस निकल के आता है। आज हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या है कि आपका एक एमआरपी होता है, उस एमआरपी प्राइस पे हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं सो दैट कि हमारी सेल बढ़ जाए। तो अब देखिए, जब आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्काउंट होता है आपके पास में जो आपका एमपी है माइनस आपका एसपी, माइनस ये आपके पास में आ गया डिस्काउंट। क्लियर? अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपका प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करते थे हम, आपके सीपी पे कैलकुलेट करते थे, सेम भी अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो आपकी डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? हमेशा एमपी पे कैलकुलेट होती है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? हाँ जी। अगर आपके पास में मार्क प्राइस गिवन है और आपको क्या निकालना है? एसपी निकालना है, तो आप एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे? मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। क्लियर है? सेम वे अगर आपके पास में आपको एमपी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा, ये आपके पास में ये वैल्यू आपकी इधर चली जाएगी, तो एमपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एसपी इनटू आपका 100 माइनस डिस्काउंट 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर है? हाँ जी। आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूलाज आ गए हैं, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ जी फाइंड आउट करिए, क्या फाइंड आउट करना है आपको? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, एंड द एमआरपी इज 800, डिस्काउंट इज 15%, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एसपी फाइंड आउट करना है। मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ, आपको दोनों मेथड ध्यान से देखने हैं। वन इज फॉर फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा आपका रेशियो मेथड है। तो इसके अंदर देखिए, फर्स्ट मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया, आप क्या करोगे? 800 इनटू, अब 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 आपका कितना हो गया? 85। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास में आपकी जो वैल्यू है वो आ गई 680। क्लियर? जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है कि जो आपके पास में डिस्काउंट परसेंटेज है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए, 15% जो है वो आपका किसके इक्वल होता है? 5% कितना होता है? 1/20। तो 15% 3 गुना हो गया, तो 3/20 हो गया आपका। अब आपने ध्यान रखना है कि जो ये आपके पास में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, दिस इज योर एमपी, एंड इफ 3 इज डिस्काउंट, तो आपके पास में दिस इज डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो गया? एसपी आपका हो गया 17। कैसे आया? 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17। ये आपके पास में क्या आ गया? एसपी आ गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है, उसको आप हमारी ये जो वैल्यू निकल के आई है उसके इक्वल पुट कर देंगे। लाइक यहाँ पे आपके पास में एमआरपी कितना दिया हुआ है? 800, और हमारा एमआरपी कितना है? 20। सो 20 इज इक्वल टू 800, 1 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 20, एंड 17 इज इक्वल टू कितना हो गया? 800 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 17। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास में 68। देखिए, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर रहे हो। क्लियर है? आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस रेशियो मेथड से ही कराने वाली हूँ। तो अब एक बार इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम रेशियो मेथड पे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर हमें पहले से डिस्काउंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको एक शॉपकीपर है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर कहता अगेन मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितना? 10% का।
ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका जो डिस्काउंट है वो 20% है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि वो पहले आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसके ऊपर और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और उसके बाद में क्या कर रहा है वो, जब आप इसके ऊपर डिस्काउंट फाइंड आउट करते हो तो ये आपकी एक वैल्यू आ जाती है 1, जो कि आपको माइनस करनी है, तो आपके पास में डिस्काउंट क्या आ गया, 19% का डिस्काउंट आ गया। क्लियर है? हाँ जी, देखिए आप दो मेथड से कर सकते हैं इसको भी। अब जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं हम। क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है आपके पास में, 10% एंड 20%, 10% एंड 20%। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी किया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस d1 d2 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? 10% प्लस 20% माइनस 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100, सो द वैल्यू विल बी 28%। एंड द सेकंड मेथड इज, आप क्या करोगे, आप ये मान के चलोगे कि आपके पास में जो मार्क प्राइस है वो मार्क प्राइस कितना है, 100, ठीक है जी। और एसपी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 इंटू, अगर 10% डिस्काउंट है तो 10 माइनस हो गया आपका 100 में से, सो 90/100। और उसके बाद में यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है, दैट मींस 20 माइनस हो गया 100 में से, मींस 80/100। ये आपके पास में एसपी आ गया 72। देखिए एमपी है आपका 100, एसपी है आपका 72, तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, सो 28%। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20%, 50% एंड 15%। अब इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करोगे। क्या है 10% 20% का हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया आपके पास में 28%। अब 28% के ऊपर आ गया, आप फॉलो अप करोगे कितने के साथ, 15% के साथ में, ठीक है जी। कैसे करोगे, 28 प्लस 15 माइनस 28 इंटू 15 बाय 100 हो जाएगा, तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 38.8%। अब दूसरा जो ये वाला मेथड था हमारा, इससे आप कैसे करोगे, लाइक 100 उसके बाद में आपके पास में वैल्यू क्या थी, 10% 20% और जो तीसरा आपके पास में डिस्काउंट दिया हुआ वो है 15% 15%, तो आप यहाँ पे लिखोगे 85%, तो ये आपके पास में आ जाएगा एसपी। अब आपका एसपी जितना भी आएगा आप एमपी में से उसको माइनस करोगे, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 38.8%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper on the eve of discount allowed a series of discount on TV sets. Find the selling price of a television set if the mark price of the television is 1000 and successive discounts are 10% and 5%. अब देखिए अगेन आपके पास में वही है, या तो आप equivalent discount फाइंड आउट करोगे और उसके बाद में 1000 पे उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर? और दूसरा क्या है कि आप जो वैल्यू है माइनस करके, लाइक 90/100, ये था आपके पास में 1000 इंटू 90/100 इंटू दूसरा जो आपका डिस्काउंट है वो कितना है, 5% दैट मींस 95/100, ठीक है जी। ये आपका सारा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपके पास में, हाँ जी, सारा आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, 9 5 45 81 81 एंड 4 85, तो आपका 85 रुपीज क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 1100, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। देखिए मैं बड़े ही आराम से समझा रही हूँ, पहले इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो डिस्काउंट का आपका पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर है, ठीक है। रेशियो मेथड से करवा रही हूं मैं आपको। क्या है आपके पास में गिवन, क्या है डिस्काउंट
आपका गिवन है 10%. डन. एंड द प्रॉफिट इज अगेन 10%. क्लियर. अब मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास में डिस्काउंट गिवन होता है तो जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आती है दिस इज योर एमआरपी एंड दिस इज योर डिस्काउंट. एमआरपी पता है, डिस्काउंट पता है, तो एसपी कितना हो गया आपके पास में? डन. अब प्रॉफिट इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास में 10%. 10% को अगेन आप क्या लिख सकते हो? 1/10. एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट दिस 10 इज सीपी. 1 इज प्रॉफिट. क्लियर. तो आपका जो एसपी है, एसपी कितना आ जाएगा? हाँ जी, एसपी सीपी 10 है, 1 प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 11. क्लियर गाइस. अब देखिए इतना होने के बाद, अब ये जो है ये मैंने जस्ट आपको समझाया, इसलिए इतना नोट डाउन करा है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं माइंड में, हमारे क्लियर है कि 1/10 होता है, 10 है तो ये एमआरपी है, ये आपका एसपी है, ये आपका डिस्काउंट है, फाइंड आउट कर लोगे. बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो कि हम कर कैसे रहे हैं. अब आपने एक रेशियो बनानी है. रेशियो का चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. अगर आपने रेशियो का कंसेप्ट देखना है तो आप रेशियो वाले वीडियो के अंदर आज जाके देख सकते हो. देखिए क्या है हमारे पास में, तीन चीजें हैं, सीपी, एसपी एंड एमपी. क्लियर है. अब देखिए मैंने बीच में एसपी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास में एक एसपी आ रहा है और यहाँ पे भी एक एसपी आ रहा है, तो एसपी को हमने कॉमन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एसपी को सेंटर में लेंगे. एमपी और सीपी को आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. एसपी को आप सेंटर में लेंगे. अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा प्रॉफिट वाला केस है, तो हमारा सीपी कितना है? 10. एसपी कितना है आपका? 11. अब यहाँ पे देखिए एसपी कितना है आपका? 9. और एमपी कितना है आपका? 10. अब इससे हमारी रेशियो आ गई सीपी एसपी एंड एमपी की कितनी, 90, 99 एंड 100. अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है आप वो देखिए. आपके क्वेश्चन में गिवन है एमपी ऑफ ए बाइसिकल इज 1100. एमपी गिवन है, दैट मींस कि आप इस एमपी के साथ में उस एमपी को कंपेयर करोगे. ठीक है, तो 110 इज इक्वल टू कितना गया है आपके पास में, सॉरी 11. देन 1 इज इक्वल टू 1100 बाई 110. अब आपके क्वेश्चन में जो है, जो भी आपका क्वेश्चन है, लाइक फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट, जो भी कुछ आपका क्वेश्चन किया गया है, आप यहां से उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो. देखिए कैसे, इन दिस क्वेश्चन योर सीपी, अगर आपके पास में आता है कि सीपी फाइंड आउट करो, तो सीपी कितना हो गया? 90 × 10 900. ठीक है जी. अगर आपके पास में पूछता है एसपी, एसपी कितना हो गया? 99 × 10. क्लियर है. जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसी क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग डाल दोगे, क्योंकि हमारे पास में 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया. अब इस 1 की वैल्यू के साथ में इसके साथ में जो भी वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट करके बता दोगे. क्लियर. हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए. अगर इसका आप हो गया नोट डाउन, आप एक बार ना पॉज करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आपका डिस्काउंट पूरा क्लियर है, पूरा इसी पे बेस्ड है. ठीक है. हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप. ए शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट. 25% 25% मींस 1/4. 1/4 means this is your MP, this is discount and SP will be 3. Clear? And earn 30% profit. 30% profit. 30% means 3/10.
दिस इज योर सीपी, दिस इज योर प्रॉफिट, सो एसपी विल बी 30. If he gets 90 rupees as profit, देखिए अभी मैंने आपको कहा था जो वैल्यू गिवन है उसको उसके साथ में कंपेयर कर देंगे हम. अब हमने लिखना कैसे है, वही है सीपी एसपी एंड एमपी. सीपी 10, एसपी 13, एसपी 3, एमपी 4. रेशियो बन गया आपके पास में 30, 39 and 52. अब गिवन क्या है आपके पास में, प्रॉफिट. यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट क्या है, हाँ जी यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट क्या आ रहा है 9, और आपके पास में गिवन प्रॉफिट कितना है 90. सो 9 is equal to 90, 1 is equal to 10. और आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्काउंट. डिस्काउंट देखिए कितना है 13, सो 13 विल बी इक्वल टू 10 into 30, 130. ठीक है, द क्वेश्चन में भी व्हाट इज द सीपी, तो सीपी आपका हो जाता कितना 300. व्हाट इज द एसपी 390. व्हाट इज एमआरपी 520. क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, आप जो मर्जी पूछ रखा है, जो कुछ गिवन है, आप जस्ट यही एक मेथड यूज करना और आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, By how much a shopkeeper mark his goods above the CP so as by giving 20% discount he may gain 10%. अब देखिए इस क्वेश्चन पे अगेन आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो. जो above वाला है, above के अंदर मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ, वो भी इजी मेथड है अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो. ठीक है, अभी पहले ये वाला कर लेते हैं फिर दूसरा मेथड करते हैं. कह रहा है कि जो डिस्काउंट है दैट इज 20%. डिस्काउंट इज योर 20% एंड 20% मीन्स 1/5. 1/5 मीन्स दिस इज योर एमपी, दिस इज योर डिस्काउंट एंड एसपी इज 4. प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 10%. 10% मीन्स 1/10. दिस इज योर सीपी, दिस इज प्रॉफिट, सो एसपी विल बी 11. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे आपके पास में सीपी कितना है 10, एसपी 11, यहाँ पे है एसपी और एमपी. वैल्यू क्या आ गई 40, 44 and 55. नाउ अब हम देखते हैं कि हजी आपका क्वेश्चन क्या है. कहता हाउ, बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी, मींस आपके सीपी से कितनी ज्यादा मार्क करनी पड़ेगी, कितना परसेंट ज्यादा मार्क करना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखिए आपके सीपी से एमपी पे कितनी वैल्यू है 15 ज्यादा मार्क कर रहा हूँ, तो हम ये कहते हैं कि हाँ जी कितना ज्यादा मार्क करना पड़ेगा 15. अब उसने क्या पूछा आपसे, परसेंटेज पूछी है, तो आप परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, 15 divided by CP. सीपी है आपके पास में 40 into 100. क्लियर, हाँ जी. देखिए आपके पास में जो वैल्यू गिवन थी ये आपके पास में वैल्यू आ गई 15 और आपका सीपी कितना है 40. अब यहाँ पे आपके पास में आप इसको कट कर लोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, 5, ये हो गया 75 divided by 2, 37 is to 1/2%. क्लियर, एनी डाउट, हाँ जी नोट डाउन कर लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, हाँ जी इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रही थी. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास में जो सीपी है, जो सीपी है आपका, देखिए सीपी से कह रहा है कि आपका कितना ज्यादा आप मार्क करे ताकि आपके पास में वैल्यू नहीं आ जाए, तो उस केस के अंदर एक और आपके पास में मेथड है. अगर आपके पास में मार्क्ड वैल्यू दे रखी है तो मार्क्ड वैल्यू देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर, देन बाय व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस शुड इज मार्क्ड सो दैट द गेन इज 20% ऑन सेलिंग इट एट द डिस्काउंट. भाई ये सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग. देखिए डिस्काउंट 10% दे रखा है, इस केस में क्या लिखोगे आप 1/10, ठीक है जी. और उसके बाद में क्या कह रहा है वो आपके पास में गेन कितना है 20%. 20% को क्या लिखोगे आप 1/5. ठीक है, सेम मेथड से आप ट्राई करिए,
अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करिए कि मैडम इस तरह से नहीं हो रहा है हमसे, या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है. दिस इज वेरी इजी मेथड. ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए शॉपकीपर मार्क हिज मार्क द प्राइस 10% मोर देन. अब यहाँ पे देखिए, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास में प्रॉफिट गिवन था और क्या गिवन था, डिस्काउंट गिवन था. अब इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या गिवन है कि सीपी से जितना मोर वैल्यू दी हुई है और साथ में आपके पास में डिस्काउंट गिवन है, तो इसको आप कैसे करो. देखिए, आपके पास में जो वैल्यू है सीपी, वैसे ही लिखना आपने सीपी एसपी एंड ए शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस 10%. आप इसको ले लीजिए 100. अब 100 हम इसको एमपी को भी ले सकते थे, बट सीपी को लेने का क्या फायदा है कि बाद में जब आपके पास में आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो प्रॉफिट हमेशा किस पे फाइंड आउट करते हैं, हम सीपी पे. और अगर ये 100 है तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, दोबारा से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो देखिए, यहाँ पे सीपी है आपके पास में 100 और क्या कह रहा है कि जो मार्क्ड है वो 10% मोर है. तो 100 का 10% कितना हो गया, 110. इफ ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%. अब देखिए, 20% इस पे डिस्काउंट दे रहा है, दैट मींस वैल्यू कितनी हो गई, 88. तो एसपी कितना आ गया आपका, 88. अब क्वेश्चन क्या है आपका, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज. अब देखिए, सीपी कितना था आपका 100, एसपी कितना है 88, सो लॉस कितना हो गया आपके पास में 12. अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, अगेन डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12% ही आएगा. सो आपकी यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन जो है वो बच गई है, सीधा आप डायरेक्ट 12% लिख सकते हो. क्यों, क्योंकि हमने सीपी क्या लिया था, 100. देखिए, 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, 12% ही तो आएगा. ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मंगूलाल ए शॉपकीपर मार्क्स हिज प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस मींस योर सीपी. तो सीपी से कितना हायर कर रहे हैं, 20%. After that he allows a discount of 5%. इसके बाद में आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है. ठीक है जी, डिस्काउंट दे रहा है, that means आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, क्लियर. तो आपके पास में जो वैल्यू है, क्लियर. बट प्रॉफिट और लॉस Did he get? उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो, उसने कहा 5% डिस्काउंट, 120 का 10% कितना हो गया, 12, एंड 5% कितना हो गया, 6. आप 120 में से 6 माइनस करोगे तो भी आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 114. सो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कहता कितना प्रॉफिट हुआ. देखिए, सीपी 100, एसपी 114, सो प्रॉफिट विल बी 14%. ओके, तो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट पे जिस तरह के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं. और कल का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन. अगेन 12 o'clock आपका जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन हम करेंगे. सो थैंक यू सो मच.